नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। ये है आपका कोमा की का वेनिस इको। रिसेंटली अभी ये कोमा की का बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है। इसकी एक खास बात है, इसकी जो स्क्रीन है वो TFT कलर डिस्प्ले है, और जैसे आप कोई स्पोर्ट्स बाइक यहाँ पे ऑन करते हैं उस टाइप से इसकी स्पीड स्क्रीन यहाँ पे ऑन होती है, और साथ में आपको एक साउंड भी अच्छा खासा मिलता है जिसके अंदर आप मैप मोबाइल कनेक्ट करके आपका जो मैप का जो नेविगेशन है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखने वाला है। आपको बार बार मोबाइल के अंदर देखना नहीं पड़ेगा आपको किधर मुड़ना है और किस लेफ्ट और राइट, आपको सबको यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे एक बारकोड आपको शुरू में मिलता है जिसको आप स्कैन करके इसको अपने मोबाइल में पूरा कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट भी है, आपको गाने अगर प्ले करना है आपके मोबाइल की तो वो भी यहाँ पे आपको प्ले हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि 10 इंच में आता है, इसे आप अंडर 18 वाले भी चला सकते हैं और उसके ऊपर भी इसको चला सकते हैं क्योंकि RTO मॉडल में आता है। और अच्छी बात यह है कि इसकी गुड लुकिंग है, रेट्रो लुकिंग में आता है। आप देखेंगे फ्रंट से जो LML के जो स्कूटर्स आते हैं उस टाइप से इसकी लुकिंग काफ़ी अच्छा रेट्रो लुक में है और काफ़ी लाइट वेट है। लाइट वेट होने के साथ ये काफ़ी पावरफुल भी है। इसकी जो मोटर आपको आपको मिलने वाली है 3000 वाट की आपको इसमें मोटर मिलती है। आप देखेंगे इसमें आपको 3000 वाट की मिलती है। 10 इंच के टायर मिलते हैं बट आपको इसमें ट्यूबलेस मिलने वाले हैं। इसमें आपको देखेंगे आपको सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल पाएगा। बाकी सामने जो आपके अलॉय व्हील दिए हुए हैं 3 spoke आपको अलॉय व्हील मिलता है और काफी गुड लुकिंग आपको इसमें एल्युमिनियम के आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। आप इस तरफ से आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है और काफी अच्छा इसका गुड रेट्रो लुक में आपको देखेंगे। अभी टायर देखिए इसका बिल्कुल नया ही आया है, इसका टायर भी यहाँ पे आपको देखेंगे कवर्ड है और टायर की जो ग्रिपिंग है वो भी काफी अच्छी है। 10 इंच के आपको टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस आपको टायर मिलते हैं, सस्पेंशन वाइज भी काफी अच्छा है इसके। यहाँ पे आपको सस्पेंशन अंदर दिए हुए हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, बाकी रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, बाकी कोई दिक्कत बात नहीं है। इसमें जो आपको मोटर आएगी 3000 वाट की आपको आएगी। अब मैं यहाँ से आपको इसकी अंडर सीट स्टोरेज दिखा देता हूँ, आपको इसमें अंडर सीट स्टोरेज कितनी है। देखिए इसमें अंडर सीट स्टोरेज भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर और मिल जाती है। देखेंगे आप इसमें आपको इसमें एडवांस लिपो 4 बैटरी मिलने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे बूट स्पेस मिल रहा है, कम से कम 15 लीटर के आसपास मिल रहा है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आपको यहाँ पे दिया था कि मोबाइल आप चार्ज करके अंदर रख सकते हैं। बैटरी आपकी नॉन रिमूवेबल है, थोड़ा सा इसमें ये है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज की बात करूँ तो आपको 90 से 100 किलोमीटर इकोनॉमिक मोड में चलेगा। और इसमें आपको लिपो 4 वाली एडवांस बैटरी मिलती है जो कि आपके मोबाइल में आपको सारे बैटरी के फीचर दिए जाएंगे, कितनी आपकी बैटरी वगैरह चार्ज है वो आपको यहाँ पे सारी फीचर्स मिल जाते हैं। एक बार मैं आप यहाँ पे आपको बैठ के दिखाता हूँ उसमें आपको क्या लुकिंग आ रही है। इसमें आपको रिवर्स मोड का सिस्टम भी आएगा, पार्किंग मोड का सिस्टम भी आ जाएगा, 3 modes आ जाएंगे आपको, लाइटिंग के स्विच आ जाएंगे, हॉर्न स्विच आ जाएगा इसके अंदर, आपको इंडिकेटर आ जाएगा और काफी अच्छा इसका रेट्रो लुक आता है। आप देखेंगे राइडिंग कंफर्ट भी काफी अच्छा है, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे कंपनी ने ठीक ठीक रखा है, मतलब 150 के आसपास होगा फिर भी ठीक है। और 2 व्यक्ति बैठने के लिए सफिशियंट है। पीछे आपका जो बैकरेस्ट लगा वो भी काफी अच्छा है, मतलब अगर मैं चलाता हूँ इसको तो काफी शानदार इसका लुक आता है और राइडिंग कंफर्ट भी अच्छी है इसकी। हम फटाफट से एक टेस्ट राइड लेते हैं और बाकी बातें हम यहीं से आके फटाफट से करते हैं। तो इसकी टेस्ट राइड हम ले रहे हैं, इसमें आपको 2 key 2 remotes तो मिलने वाले हैं, पर हमें उसको फिलहाल चाबी से एक बार ऑन करते हैं, देखते हैं क्या इसमें सिस्टम है। ये देखिए इसकी स्क्रीन, जैसे कोई स्पोर्ट्स बाइक ऑन होती है ना इस टाइप से ऑन होती है। कोमा की लिखा हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्किंग का स्विच भी यहाँ पे है, तो पार्किंग प्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल ये आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अब आई इसकी स्क्रीन यहाँ पे, रेडी मोड भी आ चुका है, देखेंगे आपको रेडी मोड दिख रहा है। अब हम चलाते हैं, राइडिंग कंफर्ट वगैरह हम सबको बताते हैं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, स्पीडोमीटर दिख रहा है, लाइटिंग काफ़ी शानदार है। ये देखिए लाइट भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट लग रही है और राइडिंग कम्फर्ट इसका भी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये छोटा LML रेट्रो लुक में है तो इसके कारण इसकी राइडिंग कम्फर्ट थोड़ा सा ऐसा होगा, बाकी राइडिंग कम्फर्ट अच्छा आ रहा है इसका भी। एक बार इसका फुल पिकअप ले लेते हैं, मोड इसके थर्ड मोड अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पे हो गया तो आपको स्क्रीन काफ़ी अच्छी नज़र आने वाली है। यहाँ पे 65 तक इसकी टॉप स्पीड यहाँ पे आ रही है और स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है और हैंडलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है इसका। बस रियर जो ब्रेक है वो आपका डिस्क ब्रेक और पिछला आपका ड्रम ब्रेक है, तो आपके दोनों ब्रेक मतलब साथ में अप्लाई करेंगे तो इसकी मतलब राइडिंग ब्रेक काफ़ी अच्छी इफेक्टिव होगी। यार ये भी अच्छा स्कूटर है, कोमा की ने नया लॉन्च करा है तो काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें ये बेनिफिट है कि RTO मॉडल है तो इसे आप अंडर 18 वाले भी और 18 के ऊपर वाले भी चला सकते हैं, 2 plane के लिए सफिशिएंट है, मतलब स्टेबिलिटी रोड पे चलाने के लिए अच्छा है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वेनिस इको के नाम से है, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं कोमा की वेनिस इको। इसमें बैटरी के आपको परसेंटेज भी यहाँ दिखाएगा, थोड़ा बैटरी इसकी कम चार्ज है, ये देखिए 18% बैटरी चार्ज है, थर्ड मोड में चल रहा है, यहाँ पे आपकी बता रहा है स्पीड बता रहा है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे अलग लगा, अगर आप यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट करते तो आपको यहाँ स्क्रीन पे ये मैप भी यहाँ पे शो होता है। तो फटाफट से चलो हम यू टर्न ले लेते हैं,
मिरर भी इसके अच्छे हैं, रेट्रो लुक वाले हैं। तो हम इसको वापस से यू टर्न ले लेते हैं। थोड़ा रात हो गई यहाँ पे, तो थोड़ा मुझे थोड़ा समझ के चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं रॉन्ग साइड से चला रहा हूँ। थोड़ा शाम का वक्त हो चुका है, लगभग टाइम हो चुका है 6:30। ठंड का मौसम है, थोड़ा जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो देखिए पिकअप भी इसका अच्छा खासा आ रहा है क्योंकि 3000 वाट की इसकी मोटर है, तो पिकअप काफ़ी अच्छा है इसका। अब स्पीडोमीटर भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, आप देखेंगे ये स्पीड आपकी बिल्कुल स्टाइल से दिखती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छा लुक है। TFT स्क्रीन है आपकी, फुल्ली कलर्ड है और ब्रेकिंग भी अच्छे हैं और इसके हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा इसको नीचे हम रोड चला के देखते हैं तो नीचे भी अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस आ रहा है। कोई कटर वटर की आवाज़ मुझे तो अभी तक फिलहाल नहीं आ रही है। तो बाकी में काफ़ी स्मूथ है, इसके सस्पेंशन भी, रियर सस्पेंशन भी कोई झटका मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है। अगर आपके शहर में भी कोमा की का अगर शोरूम है और आप ऐसा कोई स्कूटर चाहते हैं गर्ल्स वगैरह के लिए, कॉलेज के लिए, जो काफ़ी लुकिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हो और जिसमें पावर भी हो, रेंज भी अच्छी हो, तो कोमा की का ये वेनिस इको भी अच्छा है क्योंकि इसमें आप जो देखेंगे कंफर्टेबल, मतलब मेरे जो लेग है वो ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहे। जब भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपके जो लेग है वो काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, तो आपको आपकी जो लुकिंग थोड़ी सी अटपटी सी दिखती है वहाँ पे। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं इसको चला के फील कर रहा हूँ। अगर मेरी भी इससे इच्छा होती कि मैं बिल्कुल उसको रोकूँ नहीं, बिल्कुल चलाता जाऊँ, मतलब काफ़ी लॉन्ग चलाने की मेरी इसमें इच्छा हो रही है। मतलब ये आपको बताता हूँ मैं टेस्ट राइड के अंदर, में जो अनुभव होते हैं मुझे, अगर इसके राइडिंग कंफर्ट थोड़ा सा अगर ख़राब होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ख़राब है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा, राइडिंग कंफर्ट अच्छा लगा क्योंकि मेरे लेग इसमें ऊपर नहीं आ रहे हैं, मुझे जरा भी झुकना नहीं पड़ रहा है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट होकर यहाँ पे बैठ रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा स्कूटर, आप किसी भी एज के इसको चलाएंगे तो आपको इसमें अच्छा फील आने वाला क्योंकि रेट्रो लुक में है और LML के जो स्कूटर्स आते हैं उस लुक में है। और बैटरी भी इसमें आपको लिथियम मिलती है, LiPo4 वाली नई वाली जो बैटरी यहाँ पे कोमा की यूज़ कर रही है अपने हर EV में। इस बैटरी को आप मोबाइल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। तो ये एक मुझे फीचर्स काफ़ी अच्छा है यहाँ कोमा की। वेनिस इको की टेस्ट राइड मैं लेके आ चुका हूँ। बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया तो हम शोरूम पे स्कूटर को लेके आ चुके हैं। 60-65 के बीच में इसकी रेंज, मतलब टॉप स्पीड जाती है, काफ़ी अच्छा स्कूटर है। राइडिंग कंफर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 10 इंच के टायर होने के बाद भी इसका राइडिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। अब लास्ट में बात करता हूँ इसकी बैटरी की, जो बैटरी आपको इसमें आती है 53 वॉट्स और 33 Ah की बैटरी आती है, जो कि आपको 110 किलोमीटर 100 किलोमीटर इकोनॉमिक रेंज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। वारंटी आपको इसमें 3 ईयर की आएगी ऑल पार्ट्स के ऊपर। और प्राइसिंग की बात करता हूँ हमारे निम्बा हेड़ा शहर की, जो कि हमारा आपको शोरूम दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 85,000, मतलब ये RTO मॉडल है, 85 आपको यहाँ पे करना है और 15,000 आपको इसमें सब्सिडी आने वाली है हमारे राजस्थान शहर में। तो लगभग आपको सिर्फ मात्र 70,000 रुपये में आपको इतना अच्छा लुकिंग में, रेट्रो लुक में आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पड़ने वाला है, कोमा की का वेनिस इको, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो अगर आपके शहर में कोमा की का ये शोरूम है तो आप एक बार जाएं और इसकी टेस्ट राइड जरूर लें। तो आपको मैंने छोटा सा एक वीडियो बना के बताया था कोमा की वेनिस इको का। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है या कुछ परेशानी है या कुछ जानकारी लेना है तो हमारे निम्बाहेड़ा शहर के आपको मैं यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप निम्बाहेड़ा शहर के आसपास से हैं तो यहाँ पे आप जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं और आपको मैं यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप निम्बाहेड़ा शहर से बाहर हैं या अदर स्टेट से हैं तो आप कस्टमर केयर से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था मेरा कोमा की वेनिस इको का। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना करें, वो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राकेश, तो टाटा बाय बाय, सी यू, नमस्कार। हमारे क्षेत्र के लिए गुड न्यूज है कि बहुत जल्दी कोमा की का शोरूम हमारे चित्तौड़ शहर में, यानी कि 1 मंथ के अंदर चित्तौड़ शहर में हमारा कोमा की का शोरूम खुलने वाला है। तो फटाफट से आपको जो कोमा की अपडेट्स है वो फटाफट से मिलने वाले हैं क्योंकि फिलहाल ये निम्बाहेड़ा शहर में है, जिसकी एक ब्रांच और हमारे चित्तौड़ में खुलने वाली है। तो आपको अगर कोमा की का कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आपको निम्बाहेड़ा शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चित्तौड़ शहर में ही ये मिलने वाला। तो ये एक अपडेट थी हमारे चित्तौड़ शहर के लिए।